बेरोजगारी की समस्या इधर फंसी पड़ी है, और दूसरा मैं आपको बताता हूँ हमारे यहाँ अंग्रेजी इतनी हावी है, मैं जिस मेरा छोरा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, दसवीं क्लास का छात्र है, मुझसे बोला यार पापा आप एक काम करो, वह मेरा हिंदी का पेपर है, मुझे कोई हिंदी का निबंध बता दो। पंडित जी मैं आपको ईमान से बता दूं, मैंने पहली से पोस्ट ग्रेजुएशन गाय के निबंध सही कर ली। हमारे जमाने में एक ही निबंध आता था, मैंने कहा तू भी लिख, गाय एक उपयोगी पशु है, उसके चार पैर होते हैं, दो सींग होते हैं, गाय घास खाती है, गाय कई प्रकार की होती है, काली पीली सफेद चितकबरी गाय अच्छे प्रकार की होती है। बोला पिताजी किसी और जानवर पे निबंध जाए तो। मैंने कहा तू कवि का लड़का है, तेरे में इतनी अक्ल होना चाहिए, गाय का नाम सरकाना और उस जानवर का नाम चिपका देना। साहब तीसरे दिन जब वो घर से, मैं कवि सम्मेलन से घर पहुंचा, मैंने उससे पूछा गुड्डू पेपर हो गया, कहले पापा हो गया, मैंने कहा निबंध आया था, वो बोला आया था, मैंने कहा निबंध काय पे आया था, वो बोला बाप पे आया था। ताली जोरदार बजना चाहिए। मैंने कहा निबंध काय पे आया, वो बोला बाप पे आया। अबे मैंने कहा तूने क्या लिख दिया, वो लिख दिया बाप एक उपयोगी पशु है, उसके चार पैर होते हैं, दो सींग होते हैं। कमाल तो जब हो गया जो ये भी लिखा है कि बाप घास खाते हैं। बात अगर यही खत्म हो जाती तो ठीक, जब वो ये भी लिखा है कि बाप कई प्रकार के होते हैं, काले पीले सफेद चितकबरे बाप अच्छे प्रकार के होते हैं। कमाल तो एक ये हो गया कि एक बात वो ऐसी लिख के आ गया जो मैंने भी उसे नहीं बताई थी, वो ये भी लिखाया कि बाप 2 लीटर दूध भी देते हैं। समस्या इधर फंसी पड़ी है। बहुत सारी बातें अभी शादीशुदा लोगों के बारे में, मैं तो इतना अपनी घरवाली से परेशान हूं कि क्या बताऊं आपको, क्या मैंने खूंटा कर लिया, क्या बताऊं आपको, क्या मैंने खूंटा कर लिया। रात को मैंने मेरी बीवी से झगड़ा कर लिया और गेट पर बैठे हुए कुत्ते में जमकर लात दी। इस तरह से हमने दिल का बोझ हल्का कर लिया है। और एक शादीशुदा आदमी से, और अगर हम इसी बात को हम हिंदी में कहेंगे तो कैसे कहेंगे सुनेगा, कि जब से हुई है शादी याने पूरी बर्बादी। मफत लाल जी ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप तो बिल्कुल, आपका चेहरा बताता है कि भाभी बहुत अच्छे प्रकार की हैं। जिनकी जिनकी पत्नी अच्छी है वो मफत लाल जी जैसे होते हैं, और जिनकी पत्नी खतरनाक होती है वो संतोष सागर जैसे होते हैं। अपन को टोपी लगाना पड़ती है मजबूरी में, कि जब से हुई है शादी याने पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। कि जब से हुई है शादी याने पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। घर में भी काम करूं बाहर भी काम करूं, आदमी में खास था पर आम होके रह गया। रोज रोज मुझको सताए मेरी घर वाली, क्या करूं मैं जरू का गुलाम होके रह गया। और घर वाली मेरी मुन्नी की तरह से नचती है, और संतोष सागर झंडू बाम होके रह गया। तो समस्या इधर फंसी। मेरी बीवी मुझसे लड़ पड़ी भाई साहब एक दिन, कह लगे आप मेरे ऊपर इतनी कविताएं लिखते हो, मेरे परिवार वालों पर कुछ नहीं लिखते। मैंने कहा ले 4 पंक्तियां तेरे परिवार वालों पर, जो दिल से दूर रहते हैं मैं उनको पास समझूंगा, जो दिल से दूर रहते हैं मैं उनको पास समझूंगा, तुम्हारे रिश्तेदारों को मैं अपना खास समझूंगा। कसम खाकर मैं कहता हूं तुम्हारे सर की ये बेगम, मैं जिस औरत को देखूंगा उसी को सास समझूंगा। वो कहले रहन दो मत लिखो इससे आ रहे। जैसा कि मैंने कहा था मैं प्राइमरी स्कूल का मास्टर हूं, हास्य व्यंग का कवि हूँ, उतना ही पढ़ाता हूँ जितनी सरकार तनख्वाह देती है। हमें 2,500 रुपए तनख्वाह मिलते हैं, उतना ही अपन बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन इसमें एक घटना घट गई साहब। एक दिन मैंने एक छोरे से पूछा बता बेटा गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है। वो बोला सर मेरे बाप ने कहा तू सीधा स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, कोई कहीं से निकले किसी से मिले तेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैंने उससे कहा यार मैं तो तुझसे गंगा जी की उत्पत्ति के बारे में पूछ, कहला हमें नहीं पता। मैंने दूसरे छोरे से पूछा, मैंने कहा बता यार गंगा कहाँ से निकलती है किससे मिलती है। वो बोला सर मेरा मुंह मत खुलवा वरना ब्रज में झगड़ा हो जाएगा। मैंने कहा मेरे बाप कैसे झगड़ा हो जाएगा, मैं तेरे से गंगा के बारे में पूछ रहा हूँ, गंगा कहाँ से निकलती है किससे मिलती है। वो बोला सर गंगा रात को 12 बजे निकलती है, कल्लू के लड़के से मिलती है। मैंने कहा तेरा बाप भी ऐसे ही जवाब देता था, आजकल बिहार में विधायक है वो। एक बिहार का मंत्री अपने उससे बोला ड्राइवर से, सर चलो शौचालय ले चलो।
वो कहला सर वो शौचालय नहीं होता, सचिवालय होता है। जिस मंत्री को ये नहीं पता शौचालय और सचिवालय में अंतर। कमाल की बात ये है, जब मैंने मास्टर साहब से पूछा कि ये तुम बच्चों को कौन सा नया ज्ञान दे रहे हो, मैंने मास्टर से पूछा बता गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है, बस बेरोजगारी का व्यंग यहीं से निकला। कह लगे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा अमरकंटक से निकलती है। मैंने कहा मेरे पिताजी गंगा अमरकंटक से नहीं हिमालय से निकलती है। वो बोला पंडित जी 2500 रुपए की तनख्वाह में बेटा गंगा अमरकंटक से ही निकले। जब तक पूरा वेतन मान नहीं मिलेगा गंगा हिमालय से हम निकलने ही नहीं देंगे। मैंने जो जिया है, लोगों ने वहां पे बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी है, मैंने कोई बड़ी बात नहीं लिखी। मैंने बस इतना ही लिखा है कि कभी कच्चा बनाती थी कभी पक्का बनाती थी, कभी कच्चा बनाती थी कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। कभी कच्चा बनाती थी कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती। लेकिन उनकी यादों को लेकर फिर एक शेर कहा मैंने कि कभी कच्चा बनाती थी कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, पुराने पेंट से अम्मा मेरा बस्ता बनाती थी। किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, पुराने पेंट से अम्मा मेरा बस्ता बनाती थी। और शेर सुनिएगा, आपकी दुआएं चाहता हूं। ये शेर मैं अपने भाई मुकेश को देना चाहता हूं, इसके पिताजी हैं, और मैं तो उनको प्रणाम करता हूं, उनके जिनके माता पिता जिंदा हैं, हमसे पूछो जिनकी ये दौलत लुट गई है। बस यहां से शेर का है कि पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे, पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे, तो माँ मुझको मनाने प्यार से हलवा बनाती थी। पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे, तो माँ मुझको मनाने प्यार से